जिला सिरमौर में डेंगू व स्क्रब टाइफस के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। जिले में डेंगू के मामलों की संख्या 732 पहुंच गई है, तो वहीं स्क्रब टाइफस के मामले भी 300 का आंकड़ा पार कर गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद नाहन शहर में नगर परिषद ने फॉगिंग का कार्य शुरू किया है ताकि डेंगू मच्छर से बचाव हो सके। जिला सिरमौर के CMO डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, ब्लॉक स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमा हुआ पानी से डेंगू फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन लगभग हर ब्लॉक में ही एक स्ट्रिक्ट एक्टिविटीज पूरी कंप्लीट एक्टिविटी की जाती है, जहां एक पूरे इलाके को हम सेंसिटाइज भी करते हैं। अगर वहां कहीं पानी वानी खड़ा है तो लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि उसको ख़त्म करें, और लोगों को ये भी बताते हैं कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपने घर के आसपास पानी खड़ा ना होने दें और मच्छरों से सचेत रहें। जहाँ तक स्क्रब का सवाल है, लगभग 300 के आसपास केसेस इस पूरे सीज़न में आए हैं स्क्रब के, भी कल भी 3 केसेस स्क्रब के आए हैं। स्क्रब तो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है और डेंगू के केसेस भी सिर्फ कल 28 आए हैं, अदरवाइज डेंगू के केसेस काफ़ी कम होना शुरू हो गए हैं।